नगर अयोध्या यह संयोगु आवस देखिए देखन जोगु। इसका मतलब है कि ये नजारा देखने योग्य है। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। योगी सरकार ने अयोध्या में दीपोत्सव के लिए विशेष तैयारियां की हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में 8वां दीपोत्सव भव्य होने जा रहा है। 30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में 25 लाख दीपों की रोशनी होगी। इसी बीच अयोध्या रोशनी से जगमगा रहा है। हर तरफ जगमग करती लाइट्स इस और ज्यादा आकर्षित कर रही हैं। बहुत ही अद्भुत, बड़ा ही अद्वितीय, बड़ा ही अकल्पनीय ये दिव्य दीपोत्सव का महोत्सव प्राग का आगाज हो चुका है। और मैं तो समस्त देशवासियों से यही कहूंगा कि नगर अयोध्या यह संयोगु आवस देखिए देखन जोगु, ये निश्चित ही देखने योग्य है। पूरे अयोध्या में जितनी भी गलियां हैं, जितने भी चौबारे हैं, पूरे रामपैणी इलाके को बहुत दिव्य भव्य रूप से सजाया गया है। लगता है कि मानो वास्तव में अयोध्या राम जी अपने अयोध्या नगरी में पुनः लंका को जीत करके जिस प्रकार से आए होंगे, ऐसा शुद्ध वातावरण हो चुका है। पूरी अयोध्या में जगमग है। देश देश दूर दूर से लोग अयोध्या की दीपावली को देखने आते हैं और यही होना भी चाहिए। माननीय योगी जी ने बड़ा ही सुंदर ये निर्णय लेकर के मानो हृदय हिंदू जो समाज है उसको सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदान की है। अद्भुत है, आनंद ही आनंद है, चारों तरफ जगमग हो रहा है। सच्ची दीपावली तो अयोध्या ही देखने को आना चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया अयोध्या, बहुत ही अद्भुत लग रहा है। इसके पहले हम कभी कल्पना ही नहीं किए थे कि अयोध्या इतनी सुंदर सजाई जाएगी। बहुत ही सुंदर अयोध्या सजी हुई है दीप उत्सव के उपलक्ष्य में। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था है और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से लाइट की व्यवस्था की गई है। रोड पे आप अंदर की तरफ जाएंगे वहाँ भी रोड पे हर तरीके से लाइट की व्यवस्था की गई है। पूरी अयोध्या दुल्हन जैसी सज गई है। लाइटिंग और जो शो होता है उसकी पूरी तैयारी है और दिए लग गए हैं, हम लोग देख रहे हैं बस। और साफ सफाई के साथ साथ व्यवस्था बहुत अच्छी दिख रही है। दीपोत्सव का ये नजारा 5 किलोमीटर दूर से दिखाई देगा और वहीं राम की पैड़ी पर भव्य ग्रीन आतिशबाजी शो होगा।